आज जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है 36 एमएस वर्ड, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे 36 एमएस वर्ड, ठीक है। अच्छा सबसे पहले चले देखें बेसिक नेविगेशन आ गई, ये सारी चीजें बता देता हूं। पहले यहां पे आते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड राइटिंग पे। फॉरवर्ड राइटिंग मतलब अलग-अलग चीज का नाम बड़ा छोटा या अलग लेना या वर्ड वर्ड करना, ठीक है। जैसे ये लिख रहा हूं मैं ज़ूम करता हूं, सबसे पहले आ रहे हैं ये लिखा वर्ड वर्ड। अच्छा ये देखें, ये लिखा कंट्रोल प्लस यू, जो कंट्रोल की पड़ेगा क्या वो दबाना, वो प्रेस करना, कंट्रोल भी दबाएंगे ये मोटा मोटा हो जाएगा, हो गया क्या। दोबारा करेंगे कंट्रोल भी दबाएंगे बोल्ड हो जाएगा, सही है। और हाइलाइट करके थोड़ा थोड़ा करना होता है, अगर डबल क्लिक किया कंट्रोल आई दबाएं टेढ़ा हो गया, कंट्रोल आई दबाना होगा ये आ गया, ये सारी आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। और यहां पे आते हैं सुपर स्किल्स के चैलेंज को देख लेते हैं। सेवा आप थोड़ा थोड़ा बढ़ जाते हैं अलाइन लेफ्ट राइट, जैसे मैं सब कुछ लिख लेता हूं कंट्रोल एल दबाता हूं क्या होगा लेफ्ट आ जाएगा, ये लेफ्ट क्यों किया है क्योंकि लेफ्ट खड़ा हुआ है, सही है। अगर मैं कंट्रोल आर दबाता हूं राइट आ जाएगा, दूसरी लाइन चल गया किसी लाइन में अलाइन राइट सारा टेक्स्ट आ जाएगा, ये सारा टेक्स्ट सी मूव हो रहा है क्लिक क्लिक इसको किया, अगर कंट्रोल ई दबाता हूं कर्सर आ जाएगा, ये लिया फिर लाइन में कंट्रोल ई, कंट्रोल ई दबाया सेंटर में लगाने के लिए कंट्रोल ई होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कंट्रोल ई से कॉपी की कमांड है, इससे कैसे कंट्रोल ई लगा दिया क्या अच्छा सही कमांड। और इसको दोबारा मैं लगा दिया जब कंट्रोल एल दबाओगे लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है ठीक है। अच्छा इसे डिस्प्ले कर देते हैं, टेक्स्ट को बराबर डिस्प्ले कर देते हैं, जैसे लेट्स सपोज यहां पे एंटर कर देता हूं इक्वल रैंड ब्रेक के ऊपर मैं चार और तीन डाल देते हैं, तीन लाइन लाइन के ब्रेक ब्लॉक करके एंटर कर दिया, आ गया। अब मैं इसको क्लिक किया, ठीक है ठीक है। अगर मैं कंट्रोल एल दबाऊंगा लेफ्ट हो जाएगा, कंट्रोल आर दबाऊंगा राइट में चला जाएगा, कंट्रोल वी भी सेंटर हो जाएगा, कंट्रोल जे जे से चिपका हुआ मतलब बराबर से जुड़ जाएगा, ठीक है ठीक है। ना ज्यादा छोटा होगा ना एक तो बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास जस्टिफाई, जस्टिफाई हो गया। अच्छा अच्छा रिलीज एंड एंड कर देते हैं, तो आप क्या करेंगे कि स्पेसिंग जैसे अगर मैं इसको देखो इसको दबाया है कंट्रोल एम, क्या लिखा है कंट्रोल एम दबाया एक एक साथ आगे चला गया, दोबारा कंट्रोल एम दबाया एक और आगे चला गया, तो टोटल थ्री सेंट है कंट्रोल शिफ्ट एम, कंट्रोल शिफ्ट एम दबा रहा हूं पीछे जा रहा है, सही है। और कंट्रोल एम से आगे कर रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट से एम से पीछे कर रहा हूं, ठीक है ठीक है। एक ले ले अच्छा अच्छा मैं आगे पीछे कर रहा हूं, किसी भी पॉइंट पे आप अप्लाई किया हुआ उस ग्रेड बटन पर जगह देगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एल, सही है एक ग्राफ पर हम लिख रहे हैं उस ग्रेड बटन पर जगह देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल एल ग्रेड बटन पर आ गया, सही है। और आप बता सकते हैं जो सवाल दिया वो नंबर में, ठीक है ठीक है। वो नंबर लिस्ट क्या होता है, लिस्ट का बनाना है वो लिस्ट नंबर वाइज स्टेप दिया हो या वो थ्री की फॉर्म में या आई का वाला इक्वल आई रोमन नंबर की फॉर्म में, ठीक है ठीक है जी। ये हो गया क्लियर। और नंबर लिस्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन पूरे ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर पर कंट्रोल दे देगा। अच्छा अच्छा ये क्या होता है, ये जो सेकंड का लिखा है कॉपी, इसको कंट्रोल की दबाया है सेलेक्ट करके किया, और यहां पे अभी आपका बटन का दबाया है नीचे, यहां पे कंट्रोल वी दबाता हूं पेस्ट हो गया, कंट्रोल वी जो ऊपर वाला वही आ गया, सही है क्लियर है। कंट्रोल वी पेस्ट कर लिया, अंडर रूल लॉग आउट होता है बताने के लिए जो होते हैं जो काम करना गलती की लगा वापस आ जाएगा, रिजल्ट जल्दी वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है ठीक है। और कंट्रोल वाई वाई एडवांस की तरफ जो मैंने कहा था वापस वापस पॉइंट में चाचा जान जान आ रहा था, सही है।
और कंट्रोल वाला जो रेडियो हो गया फाइंड सेक्शन ऑन एफ कंट्रोल एफ से लॉग आउट सही है मैंने जी दबा दिया गलती से कंट्रोल एफ यहां पे मैं प्रेस करता हूं यहां पे ना लिखा वर्ड एंटर दबाया यहां आ जाओ वर्ड लिखो आ जाओ कोई भी नहीं है अगर मैं अपने अपने सी टी आर एल सर्च किया जितने भी सीरियल आ रहा है सब कंट्रोल है सीरियल का मतलब क्या होता है कंट्रोल ठीक है और डिलीट वर्ड विद द लेफ्ट कंट्रोल प्लस लेग स्पेस ये जब हम अपने माउस को रखते हैं हैंड में कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे एक 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 पूरा वर्ड अल्फाबेट में पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा अगर मैं यहां पे कंट्रोल करता हूं तो कंट्रोल डिलीट करता हूं कंट्रोल डिलीट पूरा वर्ड राइट साइड कर देगा ठीक है ये क्लियर है अच्छा डॉक्यूमेंट में मैं क्या करता हूं कंट्रोल स्पेस कंट्रोल एस से सही है ये जो आप बताओ कंट्रोल सी का डॉट डॉट है कंट्रोल रूट दबा रहे हैं फाइल आपको टोरेंट में आ जाएगी क्लियर है और पता क्या है कंट्रोल ओ दबाऊंगा सारी फाइल पहले ओपन हो जाएगी आप यहां से फाइल को ओपन कर सकते हैं ठीक है और यहां से काम कर देते हैं न्यू डॉक्यूमेंट मैं चाह रहा हूं और ये एक्सिस डॉक्यूमेंट में यहां पर आ जाते हैं तो कॉल में दबाएंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट खुल के आ जाएगा समझ में आ रहा है बस ऊपर से आ रहा है हां हेलो समझ में आ रहा है अच्छा व्यू क्या है फ्रंट लेआउट व्यू ये लगा ना या तो ऊपर डिफॉल्ट व्यू होता है पहले से अगर आप इसे करेंगे रेड मोड पे तो आपका ऑटोमेटिक रेड मोड पे आ जाएगा इस तरह से डाटा चला जाएगा ठीक है अगर आप यहां पे लेआउट पे आएंगे तो आपका मेन पेज आ जाएगा साथ में काम करते रहेंगे और ये वेब लेआउट वेबसाइट की फॉर्मेट पे आ जाएगा मतलब पूरा पूरा टेक्स्ट ले जाएगा तो आप हमेशा रेड लेआउट पर रखते हैं और इसकी छोटी चीज क्या है फ्रंट लेआउट को ओपन करने के लिए कंट्रोल आल्ट कंट्रोल बी सही है और वेब लेआउट बनाने के लिए आल्ट कंट्रोल डब्ल्यू आल्ट कंट्रोल और डब्ल्यू दबा रहा हूं ठीक है तो ये आ जाएगा अच्छा और क्या क्या होते हैं आल्ट कंट्रोल क्या लिखा है ओहो तो आपके पास ये आउटलेट लिखा हुआ आ गया ठीक है आउटलेट भी अभी उन्होंने बड़ा निकाल दिया अभी अपने आउटलेट भी बनाना चाहते हैं ये सारा डाटा आपको थोड़ा बड़ा कर दे देते हैं सही है तो ये कंट्रोल डब्ल्यू ये हो गया सारा व्यू हो गया और ड्राफ्ट व्यू की डाटा पूरा ट्राई कर लीजिएगा अच्छा अच्छा मिलने के लिए देख लिया जो बच बच किए हैं जैसे इसे इंसर्ट कर ले पहले लाने के लिए शॉर्टकट किया कंट्रोल रोल किया ये देखो इसको मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल रोल दबाया ये ले आ गया यहां पर लिखा है एचटीटीपीएस ठीक है ये यूं कर लेंगे या ओके कर लेंगे लेगा अगर कंट्रोल दबा के बाकी क्लिक करो तो ये यहां से वेबसाइट ओपन हो जाएगी यूट्यूब की सही है जो पर्टिकुलर वाला आपने ले लिया होगा अच्छा अच्छा गो टू क्या होता है कहां पे जाना है मैं कंट्रोल रोल दबा देता हूं कंट्रोल रोल है ना कंट्रोल रोल दबाया मैं यहां पर पेज पे वापस चले आए गो टू किया पेज पे वापस ओपन आ गया अगर मैं यहां पे गो टू एंटर किया तो भी आ गया सही है ये गो टू है व्यू हो गया गया सेलेक्ट नहीं हो गया बाकी पूरा कर लेंगे छोटी छोटी ठीक है आवाज थोड़ा थोड़ा फिर गल एडिटिंग में आपको हो गया और ड्राफ्ट फॉर्मेटिंग अलाइन लेफ्ट राइट एंड सेंटर जैसे भाई ठीक है और यहां से ऊपर पर इसकी मैं एक बात बताता हूं ये पता है ना फॉर्मेटिंग इटैलिक बोल्ड अंडरलाइन लाइन सब सब स्क्रिप्ट अच्छा सब सब स्क्रिप्ट क्या होते हैं मैं होम पे आता हूं इसे एसओ लिखा हुआ है देखिए इसको स्पेस ले लिया कंट्रोल आ गया कि इसको स्पेस ले लिया दोनों स्पेस हो गए और यहां जहां मैं जाकर सर्विस पे क्लिक करूंगा तो आप सर्विस पे लग जाएगा ठीक है अच्छा अच्छा छोटे छोटे के लिए लिया सर्विस के लिए लिया कंट्रोल रोल प्लस इक्वल अच्छा करके रोल रोल प्लस इक्वल दबा दो तो इसका होता है कि यहां पे इसकी कमांड नहीं है ये कमांड बड़ा बड़ा नहीं होगी चलेगी ठीक है कंट्रोल रोल प्लस इक्वल दबा दिया मैंने यहां कंट्रोल रोल इक्वल दबाया तो आप यहां पे अपना सर्विस पे क्लिक किया अगर आप तो आप ऊपर पर जाते हैं यानी पावर ऑल की मैंने लिख लिया है यहां पे पेज लगा देता हूं कंट्रोल प्लस जेड यहां पे लिखता हूं 5 x एक टिक मिनट कंट्रोल सी यहां पे लिखता हूं
ठीक है